तो भारतीय फौज ने जो एयरफोर्स ने अटैक किया है वो प्रूव हो चुका है पाकिस्तान उसको मान चुका है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटैक हुआ या नहीं दूसरा काफी डीप जो स्ट्राइक करी है जो हमारे एयरक्राफ्ट ने 12 एयरक्राफ्ट तकरीबन साढ़े तीन बजे गए और काफी दूर तकरीबन 80 किलोमीटर अंदर जाके स्ट्राइक करी है बिल्कुल पीओके के अंदर जो जैश ए मोहम्मद के कैंप थे कुछ दिनों से मॉनिटरिंग हो रही थी कैंपों में क्या मूवमेंट है अभी बाकी एविडेंस आना बाकी है पर पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी एविडेंस आना शुरू हो गया है कुछ एयर फोटोग्राफ भी उन्होंने दिखाए हैं जिसमें एक में दोनों तरफ जंगल है और बीच में काफी सारे क्रेटर है और एक साइड नाला है तो बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि वहाँ कैंप था और जहाँ क्रेटर है वहाँ कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर थे पहले दस बारह क्रेटर बड़े बड़े वहाँ नजर आ रहे हैं इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रसीजन बॉम्बिंग हुई है एक ही इलाके में इस तरह के ऑपरेशन में जो मिराज 2000 में सीजन गाइडेड वेपन जो यूज़ किए हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं और कोई चांस नहीं है कि वो टेररिस्ट जहाँ पे कैंप था उसको ना डिस्ट्रॉय किया हुआ हाँ एक आधा बॉम्ब कई बार इधर उधर होता है जिसकी पाकिस्तान कोशिश करेगा दिखाने की कि कोई डैमेज नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ी नमोशी वाली मुँह छिपाने वाली बात होगी सामा बिन लादन के बाद कि दोबारा किसी ने आके उनकी टेरिटरी में आके टेरिस्ट को मारा